श्री जैन नाथक सेक्टर 14 में संत मुनि सुरेंद्र जी महाराज की ओर से चातुर्मास के चलते प्रवचनों की अमृत वर्षा की जा रही है, जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहना, हिंसा से दूर रहना व समाज को स्वस्थ रूप देने के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। गौरतलब है कि जैन मुनि चातुर्मास के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर रहकर अपने प्रवचनों से समाज और देश को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उसी कड़ी में करनाल में भी यह कार्यक्रम 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 4 महीने तक चलेगा, जिसका आज विधिवत शुभारंभ हुआ। इस मौके पर जैन साध्वी भी मौजूद रही। उन्होंने भी अपने प्रवचनों से उपस्थित जनसमूहों को सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। समाज के अंदर, भारतीय परंपरा के अंदर भी इस चतुर्मास का अपना एक महत्व है। जीवों की उत्पत्ति बढ़ने के कारण से संत अहिंसा की भावना से एक स्थान के ऊपर 4 महीने रुकते हैं, जिसके अंदर इंसान में प्रेम, प्यार, भक्ति भावना, दान पुण्य, सेवा, सुकृत्य के विचारों को जीवन में ओतप्रोत करने के लिए ये चतुर्मास किए जाते हैं। और इस वर्ष का चतुर्मास भी करनाल के अंदर इसी उद्देश्य को लेकर होने जा रहा है कि समाज नशा मुक्ति से, नशों से और आपसी कलहों से दूर होकर परस्पर प्रेम और प्यार और सौहार्द भरा जीवन जीने के लिए तत्पर हों, इसी उद्देश्य से लोगों को जागरूक किया जाता है और चतुर्मास का उद्देश्य भी यही होता है। समाज में संत का स्थान बाद में आता है, परिवार का स्थान पहले आता है। घर के संस्कार अगर माँ बाप बच्चों को नहीं देते, हम उच्च शिक्षा तो देते हैं मगर उच्च संस्कार देने का हमारे मन में भाव नहीं होता। बच्चों को हम लोग सुबह उठते ही होटल की तरह पूछते हैं क्या खाएगा, जैसे वो उनका बाप नहीं है, बच्चे उसके बाप हैं। और इसी कारण से बच्चों के अंदर आज उदंडता, उच्छृंखलता और अपने आपे के अंदर अपने मन से जो उनको आता है वही करने का एक भाव रहता है। उनको बड़े और छोटे के भेदभाव का भी पता नहीं है। और आज की तारीख में बड़ों का बड़प्पन और सत्कार सम्मान आज समाज के अंदर से शून्य होता जा रहा है। संत तो बहुत बाद में आता है, पहला स्थान मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देव का तीसरे स्थान पर आता है। तो हमारे यहाँ पर संस्कारों का एक सीढ़ी दर सीढ़ी मतलब एक क्रम है। पहला जो माँ गुरु है वो हमारी माँ है। अगर माँ ने बच्चों को संस्कार अच्छे दिए हैं तो समाज में हिंसा नहीं होगी, अहिंसा की भावना से लोग ओतप्रोत रहेंगे। और इस हिंसा को रोकने के लिए तामसिक आहार, तामसिक विचार और तामसिक वृत्तियों का हमें त्याग करना होगा। 4 महीने में क्या कुछ विषय रहेंगे आप द्वारा लोगों को दिए जाएंगे? 4 महीने में भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजन हमारे बीच में आएंगे, जैसे जैन धर्म का अहिंसात्मक दृष्टिकोण और उसके अंदर नववर्ष का हमारा आरंभ होगा, जिसके बीच में नवरात्रे भी आएंगे, जिसके बीच में गोपाष्टमी भी आएगी, जिसमें बीच में जन्माष्टमी भी आएगी, जिसमें भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक भी आएगा। भिन्न भिन्न रूपों के अंदर इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा। कुछ अपील आह्वान करना चाहेंगे संगत को? अपील आह्वान के तो लिए हम लोग सभी को एक संदेश दे सकते हैं, आदेश नहीं देते। आदेश सिर्फ माँ बाप देते हैं, संदेश संत देता है और उसकी आवाज़ जनमानस तक पहुँचती है। शायद लोग माँ बाप की आवाज़ नहीं मानते, लेकिन संत का कहा हुआ उनके जहन के अंदर उतरता है, क्योंकि संत निस्वार्थ होता है, निष्प्रही होता है और उसके आवाज़ के अंदर दम भी होता है।